हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। बुलेटिन में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का आज हल्ला बोल रहने वाला है। तो बता दें आपको, प्रदेश भर में जो जिला स्तर है वहां पर आज कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेगी। सरकार की नई आरक्षण नीति पर भी सवाल उठाए हैं, 100 दिन के कामकाज पर भी सवाल उठाए गए हैं। सरकार की दलित एवं पिछड़ा वर्ग नीति के विरोध में कांग्रेस का आज हल्ला बोल जिला स्तर पर देखने को मिलेगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिला स्तर पर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन आज रहने वाला है, जिसमें सरकार की नई आरक्षण नीति से लेकर चाहे सरकार का कामकाज हो, 100 दिन की सरकार हो, उन सबको लेकर आज जो है कांग्रेस अपना हल्ला बोल करने वाली है। जिला स्तर पर आज ये कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रोहतक में फिलहाल क्या कुछ कांग्रेस करने वाली है, किस तरीके का कार्यक्रम आज वहां पर किया जाएगा, इसके लिए हमारे साथ रोहतक से संवाददाता हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, कांग्रेस का आज हल्ला बोल जिला स्तर पर देखने को मिलेगा, रोहतक में किस तरीके की अपडेट मिल रही है, क्या जानकारी है रोहतक से? देखिए पूजा, आपको बता दें कि लगातार पिछले 2 दिन से ये बात सामने आई थी कि आज कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन है और पूरे प्रदेश में 10:30 बजे का समय दिया गया था। लेकिन रोहतक की अभी बात की जाए तो विधायक बीबी बत्रा के नेतृत्व में ये हल्ला बोल प्रदर्शन था कांग्रेस का, लेकिन 10:30 बजे के बजाय अब ये 12 बजे के करीब होगा। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वहां पर जुटेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ और सरकार के कार्य को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अभी फिलहाल जैसे 10:30 बजे का पहले समय था, लेकिन अब वो समय चेंज होकर के रोहतक का समय जो है वो 12 बजे का हो गया है। जी पूजा, हर्षवर्धन, अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए, कौन कौन से मुख्य मुद्दे कांग्रेस इसमें उठाने वाली है, बड़े लीडर्स कौन रहेंगे? जैसे आपने कहा विधायक की मौजूदगी में, जैसे बीबी बत्रा की मौजूदगी में ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होंगे, और क्या कुछ कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रहने वाली है? 12 बजे शुरू होगा, कब तक प्रोग्राम चलने वाला है, कहां कहां पर ये जाएंगे? देखिए आपको बता दें कि यहाँ रोहतक के कांग्रेस भवन के ऊपर ये तमाम कार्यकर्ता जो है बीबी बत्रा की नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे होंगे, और जो कलानौर की विधायिका है शकुंतला कटक वो भी यहाँ होंगे। महम से बात की जाए तो पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी, इसके अलावा तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सरकार के जिस तरीके से सरकार ये बार बार कह रही है कि 100 दिन का कार्यकाल उनका ठीक रहा है, लेकिन विपक्ष बारी बारी एक ही बात दोहरा रहा है कि 100 दिन के कार्यकाल के अंदर सरकार ने कुछ भी नहीं किया, और तमाम जो है यहाँ इस प्रदेश सरकार के अंदर भ्रष्टाचार से जो है पूरी तरीके से ग्रस्त है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर। तो इसी नहीं तमाम मुद्दों को लेकर के जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है आज हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे, और ये पूरे प्रदेश में है और रोहतक के अंदर जो है ये 12 बजे के करीब जो है शुरू होगा। उसके बाद देखते हैं कितनी देर तक जो है प्रदर्शन रहेगा और किसको ये ज्ञापन देंगे और इनकी क्या क्या मुख्य मांगे और सामने निकल के आएंगी, उस बारे में बाद में ही पता लग पाएगा। जी हर्षवर्धन, जैसे आपने जानकारी दी कि कैसे प्रदेश भर में आज कांग्रेस का यह हल्ला बोल रहने वाला है, रोहतक की हम बात कर रहे हैं, रोहतक के कुछ ऐसे मुद्दे भी होंगे जिनको उठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रोहतक गढ़ रहा है शुरुआत से ही, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है रोहतक में आज कांग्रेस क्या करने वाली है, क्योंकि वहां पर लग रहा है कि कार्यकर्ता भी काफी संख्या में मौजूद रहेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि रोहतक में काफी अहम आज जो हल्ला बोल है कांग्रेस का वो रहेगा। देखिए पूजा, आपको बता दें कि हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान जो है काफी कार्यकर्ता एकत्रित भी होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा रहेगा। हालांकि पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष गोयल ये कहते हैं कि उन्होंने विकास के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन विधायक बीबी बत्रा की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि विकास नाम की कोई केवल चीज ही सामने नजर नहीं आई, कागजों के अंदर विकास हुआ है और विकास के नाम के ऊपर जो है भ्रष्ट नेताओं ने अपनी जेबें भरी हैं। तो ऐसे को लेकर के जो है कहीं ना कहीं सियासत का जो ये माहौल है आज गर्मा गर्म रहेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है आज काफी आरोप प्रत्यारोप करेगी, और वही जो है उसके बाद हो सकता है कि भाजपा तरफ से भी इस मामले को लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। फिलहाल जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को लेकर हतोत्साहित हैं कि आज जो प्रदर्शन होगा उसके अंदर काफी मात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पहले जिस तरीके से वाकई पहले से ही कांग्रेस दो घड़ों में बटी हुई है, पहले जिस तरीके से अशोक तंवर जो थे वो भी अपने आप को कांग्रेसी बताते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, तो काफी जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के वो अशोक तंवर के साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे में देखना यह है कि कितने कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के नेतृत्व में यहां पर इकट्ठे होंगे और प्रदर्शन के अंदर भाग देंगे। ठीक है, जानकारी आपसे लेते रहेंगे हर्षवर्धन, शुक्रिया फिलहाल जो आपने जानकारी हमें रोहतक से पहुंचाई। तो आपको बता दें अहम जानकारी इसको लेकर, आज
प्रदेश भर में कांग्रेस का यह हल्ला बोल कार्यक्रम रहने वाला है। रोहतक से हमने आपको जानकारी दी, रोहतक में समय में तब्दीलियां कर दी गई हैं। पहले 10:30 बजे का वक्त था, लेकिन अब 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब वहां के जो विधायक हैं स्थानीय बीबी बत्रा, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस हल्ला बोल करती हुई नजर आएगी। उकलाना में इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं या नहीं जुटे, शुरुआत हो चुकी है हल्ला बोल की, ये जानने के लिए अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, उकलाना की स्थिति बताइए, फिलहाल क्या तस्वीर उकलाना से सामने आ रही है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, बिहार के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया है, और जो निश्चित समय था उसी समय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। बजरंग दास जो मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में अपने होते हैं, पीछे बहुत सारे एकजुट कांग्रेस आज निसार में दिखाई दे रही है। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जो पदाधिकारी कांग्रेस के हैं वो सारे एकजुट होकर आज हल्ला बोल इस जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है उसमें शामिल हो चुके हैं, और निश्चित रूप से जो 11 बजे शुरू किया था 11 बजे इनका धरना शुरू हो चुका है, और काफी संख्या में यहाँ पर जो नेता इकट्ठे हो चुके हैं। बात की जाए, कौन कौन सा मुद्दे कांग्रेस उठाने वाली है इसके माध्यम से, चाहे 100 दिन की सरकार का समय हो उसको लेकर भी हम देख रहे हैं काफी हमलावर मोड में नजर आ रही है कांग्रेस, और कुछ ऐसे मुद्दे जिसका सीधा असर वो चाहती है सरकार तक पहुंचे? मुझे यहाँ पर महंगाई है, महंगाई से जिस प्रकार के एलपीजी सिलेंडरों का रेट बढ़ा है उसको लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, और मुद्दों के साथ बच्चों का स्तर है हम बता देते हैं। सर आगे आपके मुख्य मुद्दे क्या है? सरकार ऐसे ओबीसी जो आरक्षण के अंदर मोदी सरकार था उसे खत्म करना चाहती है, उसके विरोध के अंदर आज धरना प्रदर्शन सरकार के अंदर ये धरना है। ये सरकार पूरी तरह से दलित और पिछड़ा वर्ग, गरीब आम जनता की विरोधी सरकार, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गरीबों के हित के अंदर काम किया है, दलितों को, पिछड़ा वर्ग को, आम जनता को रोजगार देने का काम किया है, गरीबों को हर प्रकार की सुविधा देने का काम अगर किसी ने किया कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस सरकार ने तो लोगों का मुंह का निवास छीनने का काम किया है, बेहताशा बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ाने का काम किया है। इस राज के अंदर लाखों व्यापार व उद्योग धंधे बंद हुए हैं, जिसके कारण लोग लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, और महंगाई चरम सीमा पे, आम आदमी की रोटी दाल रोटी के खाने के भी लाले आज आदमी खड़े हुए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। कौन से बड़े नेता वहां पर मौजूद होंगे उकलाना में वहां पर, और कौन कौन विधायक भी होंगे या अन्य कोई बड़े नेता भी आएंगे क्या? नेता आज यहाँ पर मौजूद है, और सारे जो हमारे जिले के है नेता है, उकलाना से हमारी बालाजी कैंडिडेट है, बंदर जी आसी है, तलवा से हमारे कैंडिडेट गंगवा जी है, चेयरमैन साहब बैठे हैं मुकेश जी है, पूर्व मंत्री आशीष वाल गोयल जी है, सारे अलग अंदर जी है, उम्मीद जी है, महिला समिति है, भाई संस्था प्रधान सजन जी है, और सारे सजन सारे साथी आए हुए हैं, जगन्नाथ जी है, हरेक ठीक है। आप नजर बना के रखिएगा, बातचीत करते रहिएगा, आपके पास फिर आएंगे अनूप, फिलहाल शुक्रिया। हल्ला बोल कांग्रेस कैसे करने वाली है ये जानने के लिए हम विपिन शर्मा का रुख कर लेते हैं। विपिन, कैथल में हल्ला बोल कार्यक्रम क्या प्रदर्शन शुरू हो गया है कांग्रेस का, क्या कुछ मुद्दे उठाने वाले हैं वहां पर जो कार्यकर्ता हैं, कितने नेता जुड़ चुके हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे कैथल के अंदर जयप्रकाश जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, और पूर्व में उन्होंने अभी उन्होंने कलायत विधानसभा से चुनाव लड़ा था जो नहीं जीत पाए, वो उनके नेतृत्व के अंदर दूसरा रणदीप सुरजेवाला के जो छोटे भाई हैं सुधीर सुरजेवाला वो, और अन्य कांग्रेसी नेता एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और ये लोग उत्तराखंड में जो बीजेपी ने सरकार ने एससी और एसटी के नौकरियों में आरक्षण को गैर जरूरी बताया है, वो जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार दे इसको, जो बताया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी जो एससी और एससी के बीसी के
विरोध में है, शुरू से ही दलित विरोधी रही है। और जहां तक बात करें कि जो जहां हमें और बताया गया, उसमें बताया गया कि संघ की एक नीति है कि धीरे धीरे वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत वो उत्तराखंड से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसके लिए पीछे नहीं हटेगी, जनता की आवाज बनेगी और जनता के बीच में जाएगी, हल्ला बोल करेगी, लोगों को जगाएगी कि बीजेपी को आरक्षण खत्म करने की शुरुआत करने जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे। अच्छा विपिन, ये भी जरा पूछ लीजिए और बता दीजिए हमें कौन कौन से बड़े नेता कैथल में मौजूद रहेंगे और कब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां इससे पहले कांग्रेस ने इस पूरे हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर की हैं? जी मैं बता दूं, कम से कम कैथल के अंदर 1200 से 1500 लोग कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पूर्व पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश और कैथल के विधायक के छोटे भाई सुधीर सुरजेवाला और पूर्व में मंत्री रहे दिलूराम बाजीगर और अन्य कांग्रेसी नेता जो आसपास के जिला के आते हैं, वो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और जल्द ही एक बड़ा ही विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है। इसके बाद ये प्रदर्शन करते हुए सचिवालय तक जाएंगे और कैथल के उपायुक्त को अपना ज्ञापन देंगे। ठीक है, कैथल से बहुत शुक्रिया विपिन, आपका अपडेट आपसे लेते रहेंगे, जो जो कार्यक्रम में मुख्य बातें होंगी वो आप पहुंचाते रहिएगा हम तक। तो प्रदेश भर में जिला स्तर पर कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है और कांग्रेस के इस हल्ला बोल कार्यक्रम में जिला स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई है वो जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात हम कर रहे हैं कांग्रेस के हल्ला बोल की, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं रंजीता मेहता जी। रंजीता जी नमस्कार। रंजीता मेहता जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मुझे आवाज पहुंच जी। रंजीता मेहता जी, आज कांग्रेस का जिला स्तर पर हल्ला बोल कार्यक्रम है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे आप इस हल्ला बोल के जरिए उठाने वाले हैं, प्रदर्शन किस तरीके का कांग्रेस का रहने वाला है? देखिए, आज हर जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन है और डीसी के माध्यम से वो ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि जो मोदी सरकार है वो दलित विरोधी है, वो आदिवासी विरोधी है और वो गरीबों के विरोधी है। आज जहां जिस तरीके से षड्यंत्र करके जो है भाजपा सरकार महंगाई बढ़ा रही है, जिस तरीके से SC ST एक्ट को उसमें संशोधन लाकर उसके अंदर बैकवर्ड क्लास जो है उसकी प्रमोशन में आरक्षण जो है उसके अंदर जो है खिलवाड़ कर रही है, इन सभी चीजों को लेकर आज जो है हमने मेमोरेंडम डीसी को दिया है और हर डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन हुआ है, हरियाणा से लेकर पूरे हर देश में हर जिले में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन हर जिले पे और हर स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन रंजीता जी आपको लग रहा है इस प्रदर्शन से आपका जो कार्यकर्ता है वो एकजुट होगा, कांग्रेस को मजबूती भी मिलेगी, कहीं ये रणनीति तो रही है? क्योंकि सरकार का तो ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कर रही है स्टंट। देखिए, जीता ज्यादा सबूत जो है वो उत्तराखंड भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा देकर किया है, जहां पे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौलिक अधिकार जो है वो SC और ST जो वर्ग है उसको नहीं है। उसी को लेकर हमारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज 70 साल में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इन जो संविधान बने हुए हैं इनके अंदर कोई भी छेड़छाड़ की जाए। आज भाजपा षड्यंत्र आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है और जो कांग्रेस सरकार है वो दलित पिछड़ा वर्ग और आदिवासी लोगों की आवाज उठाने के लिए हमेशा सरकार बन रही है। रंजीता जी, जरा ये भी बता दीजिए फटाफट से कि आपके जो बड़े लीडर्स है वो कहाँ कहाँ पर आज इस प्रदेश स्तर पर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे? देखिए, जहाँ तक कुमारी शैलजा जी की बात है, वही यमुनानगर की प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी और बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ के विधायक, पूर्व विधायक जी, मंत्री और पूर्व मंत्री जुड़े हैं, हम देकर आए हैं, जिसमें प्रदीप चौधरी जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रंजीता जी आपका, आप जुड़ी हमारे साथ, प्रवक्ता रंजीता मेहता, जिन्होंने बताया कि आज कांग्रेस का जो पूरा ये प्रदेश स्तर का हल्ला बोल कार्यक्रम है कैसा रहने वाला है। गुरुग्राम में आखिरकार कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा चल रहा है, सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा जानकारी दीजिए, प्रदर्शन शुरू हो चुका है क्या और कांग्रेस क्या कुछ वहां पर तस्वीरें दिखने को मिल रही हैं? भावी उम्मीदवार थे उनके घर पर अभी कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और राष्ट्रपति के नाम डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें SC ST के एक्ट के जो दलित और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की ओर इनका ध्यान दिलाने की कोशिश है और इसके अलावा ये जो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी पूजा,
ठीक है, और वहां पर कौन से बड़े नेता पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है मनोज, गुरुग्राम में? क्योंकि हम जिला स्तर पर देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा नेता कांग्रेस का आज प्रदर्शन में शामिल होगा, गुरुग्राम में क्या तस्वीर? देखिए पूजा, अभी तो गुरुग्राम में ऐसे कोई बड़े नेता की पहुंचने की तो उम्मीद संभावना जरा कम जताई जा रही है, लेकिन हाँ, जो गुरुग्राम विधानसभा के जो उम्मीदवार थे सुखबीर कटारिया और बादशाहपुर विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं राव कमलवीर सिंह और इनके अलावा जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं गुरुग्राम के, वो जरूर पहुंचेंगे और इसमें अपनी भागीदारी निश्चित करेंगे। मुद्दों की बात की जाए, कौन से हैं मुद्दे, हैं महत्वपूर्ण मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस एक कार्यक्रम ये हल्ला बोल करने जा रही है? देखिए पूजा, बिल्कुल ये SC ST Act जो इनका कहना है, साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दलितों को या फिर आदिवासियों को इनका जो हक है वो मिल नहीं रहा है, इनकी जॉब में कटौती की जा रही है, इनके ऊपर इनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, और इसके अलावा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण जो आम लोग है लगातार पिस रहा है, और इसके अलावा बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या बन के उभरी है, जो हरियाणा सरकार खट्टर सरकार ने नौकरियां देने की बात कही थी वो कहीं ना कहीं अभी तक चरितार्थ हुआ होती नजर नहीं आ रही। जी पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जिला स्तर पर आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन कैसे रहने वाला है, क्या कुछ और रणनीतियां और क्या कुछ मुद्दे कांग्रेस उठाएगी, जरूर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।